ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, और वो जो मॉलिक्यूल्स थे उन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने स्मॉल एम आपको बता दिया, एक मॉलिक्यूल का मास है, कैपिटल एम एक मोल का मास है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू में लिख दे रहा हूं, इसकी वैल्यू आती है 1.38 × 10⁻²³ SI सिस्टम में, ठीक है, जूल पर केल्विन आएगी, यूनिट इसका जूल पर केल्विन हो जाएगा, 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन, आर की वैल्यू हमें पता ही है, और Na एवोगाड्रो नंबर होता है, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, T टेम्परेचर होता है, रो डेंसिटी होती है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो अब जैसे यहां पर वी आरएमएस की जो वैल्यू है, आरएमएस स्पीड जो है उसकी वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूं, ईवी आरएमएस के फार्मूले बनाना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे फोकस करता हूं और मैं मान लेता हूं कि ये मॉलिक्यूल एक्स, अच्छा एक कंटेनर मैंने जो लिया है ये क्यूबिकल है, इसका हर साइड जो है वो एल के बराबर है, तो कोई एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है और ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में बी एक्स से जा रहा है, ठीक है, x डायरेक्शन में vx से जा रहा है, और ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में vx से जा रहा है, दीवार से टकराएगा वापस आएगा, तो जैसे मान लो कि अभी अभी इसकी इस दीवार से टक्कर हुई, तो अभी अभी अगर दीवार से टक्कर हुई और इलास्टिक सारे कोलिजन होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लेगा l बाई वी एक्स लेगा, और लौट के आने में भी जो टाइम लेगा वो l बाई वी एक्स ही लेगा। तो अब ये जो एक एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में, एक टक्कर में जो मोमेंटम में चेंज होगा वो आएगा 2mvx, ये उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mvx और इनिशियल हो जाएगा माइनस mvx, तो mvx माइनस माइनस mvx, ये बात समझ में आ रही सभी को कि मोमेंटम में चेंज इतना हो गया, और एक कोलिजन के बाद जो अगला कोलिजन होगा, क्योंकि प्रेशर दीवार पे से कोलिजन की वजह से ही होता है, तो एक कोलिजन के बाद जो अगला कोलिजन होगा उसका जो टाइम होगा वो आएगा 2l/vx, इसके बराबर आएगा। तो ऑन एन एवरेज एक कोलिजन में जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो लगेगा 2m vx / 2l/vx, ये vx स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो एक कोलिजन में जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा दीवार पे एक कोलिजन में। अब मॉलिक्यूल तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो एक कोलिजन में दीवार पे इतना फोर्स लगेगा, और इस दीवार का जो एरिया है वो l स्क्वायर है, l स्क्वायर अगर एरिया है तो एक कोलिजन के कारण जो फोर्स है वो इतना है, और l स्क्वायर एरिया है तो जो प्रेशर डेवलप होगा, जो भी प्रेशर डेवलप होगा वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो हो जाएगा mvx² / l³, ये प्रेशर आ जाएगा एक कोलिजन के कारण। अब बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी अगर vx1 थी और दूसरे की मैंने मान लिया vx2 है, तो mvx² / l³, ऐसे करते करते mvxn² / l³, ये प्रेशर आ जाएगा जो, हाँ मतलब एक वॉल पे प्रेशर होगा वही सब पे होगा प्रेशर, हर जगह सेम होता है। तो अब ये l³ वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मैं इधर ले जाता हूं, तो वॉल्यूम इधर ले जाऊंगा, तो pv = mvx1² + vx2² + vxn² ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसके अंदर खेल करेंगे, इसको n से डिवाइड कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी मर्जी, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे m, और ये बेसिकली वेलोसिटी के x कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज है, वेलोसिटी के x कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज है, तो ये हो जाएगा vx² × n। अब जो पार्टिकल यहां पर ट्रेवल कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी में सिर्फ x कंपोनेंट तो होगा नहीं, तीनों कंपोनेंट होंगे, तो v² = vx² + vy² + vz² v² = vx² + vy² + vz² अगर मैं एवरेज ले लूं तो एवरेज ऑफ v² होगा एवरेज ऑफ vx² + vy² + vz² तीनों बराबर होंगे हा? क्योंकि मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ द एवरेज ऑफ vx². तो अब vx² यहां पर आ रहा है एवरेज, तो ये हो जाएगा v² / 3, तो ये बराबर हो जाएगा m × n × v² के एवरेज का बाई 3, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद अगर हम देखें तो
अब हमारे पास एक फार्मूला बनके तैयार हो रहा है, PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू एन इंटू वी स्क्वायर का एवरेज। अब हम इसी का रूट ले लेते हैं और इसी का स्क्वायर कर देते हैं, मेरी मर्जी, किसी भी चीज का रूट स्क्वायर तो कर सकते हैं, रूट कर दिया स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो PV इज इक्वल हो जाएगा 1/3 m इंटू एन इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ये एक सुंदर सा फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको याद रखना है, वी आर एम एस जो है उसका प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेशन। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कही जाती है। माइक्रोस्कोपिक इसलिए कही जाती है कि ये बड़े एक उस पे होती है, और जो वी आर एम एस है ये माइक्रोस्कोपिक है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी को बता रही, तो ये माइक्रोस्कोपिक है और ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो ये जो हमारा डेरिवेशन था इसने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक दुनिया से माइक्रोस्कोपिक वर्ड को वर्ड तक आ गए, मतलब स्मॉल से वी आर एम एस जो थी वो तो पार्टिकल की वेलोसिटी थी, और लेकिन ये पीवी जो है प्रेशर वॉल्यूम ये तो हम मेजर कर सकते, ये नहीं मेजर कर सकते क्योंकि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मेजर करना टेक्निकली उतना पॉसिबल नहीं, ये करने को लोगों ने किया हुआ है, लेकिन तो ये तो आसानी से प्रेशर और वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो इन दोनों को माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को ये रिलेशन रिलेट करता है, और ये रिलेशन जो है इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये जैसे रिलेशन जो अपने पास आया PV इज इक्वल टू 1/3 m n इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, इसी रिलेशन के अंदर कुछ और बातें हम लोग करेंगे। तो जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं तो P इज इक्वल टू 1/3 m n अपॉन V इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए और बताइए कि ये m n अपॉन V क्या है, ये एक कोई नई फिजिकल क्वांटिटी है, m n अपॉन V करेंगे तो ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, m n अपॉन V कौन सी क्वांटिटी होगी, एम एन अपॉन बी एक नई फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, डेंसिटी आएगी। देखो m एक पार्टिकल का मास है, n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो ये टोटल मास हो गया अपॉन वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी हो जाएगी, ये डेंसिटी हो जाएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, और फिर यहां से हम लिख सकते हैं कि वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P/ρ, एक फॉर्मूला ये भी बन के तैयार हो गया, वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3P/ρ, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि एम एन जो है टोटल मास है और वी वॉल्यूम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी को रो से हम दिखा रहे हैं, तो वी आर एम एस जो है वो रूट 3P/ρ के बराबर हो जाएगा। अब कुछ और बातें यहां से आती, और भी फार्मूले होते हैं इसके अंदर, रूट 3P/ρ हो गया, रो जो होता है हम लोग जानते हैं पीएम अपन आरटी होता है, डेंसिटी जो होता है वो पीएम अपन आरटी होता है, तो मैं अगर रो की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो वी आर एम एस जो आएगा अंडर रूट ऑफ 3P अपॉन रो की जगह आ जाएगा पीएम अपन आरटी, पी से पी चला जाएगा और वी आर एम एस की जो वैल्यू आ जाएगी, वी आर एम एस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3RT/m, जहां पर टी टेम्परेचर है केल्विन में और एम जो है वो मोलर मास है, ये वी आर एम एस आ जाएगा, एक ये फार्मूला बन जाएगा। एक और इसके अंदर फार्मूला जो हम लोग बनाते हैं वी आर एम एस की वैल्यू, आपको बस एक याद करना है, आप इनमें से कोई एक जैसे ये वाला लर्न कर लो उससे आप बाकी सारे निकाल सकते हो, या ये वाला लर्न कर लो रूट 3RT/m वाला, तो लेकिन अब बनाने को तो और भी बनेंगे इसमें, तो वी आर एम एस हो जाएगा रूट 3RT/m। अब देखना ध्यान से, आर जो लिखूंगा उसको मैं लिख सकता हूं के इंटू एन ए, एवोगाड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, और मोलर मास होगा स्मॉल एम इंटू एन ए, मोलर मास जो होगा वो स्मॉल एम इंटू एन ए होगा, एक मोल का मास जो होगा वो एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगाड्रो नंबर, एन ए से एन ए चला जाएगा, और वी आर एम एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 3KT/m। कई बार ऐसा करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का मास दे देंगे, एक मोल का मास देंगे तब तो ये फार्मूला लगा देंगे, एक मॉलिक्यूल का देंगे तो उसके लिए भी अपने पास फार्मूला है अंडर रूट ऑफ 3KT/m, ठीक है। तो इस तरह से वी आर एम एस जो है उससे जुड़े हुए जो कई सारे तरह के सवाल बनते हैं वो क्वेश्चन इस तरह से किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ सवाल देता हूं मैं करने के लिए, जो फार्मूले बताए इसमें उससे मैं क्वेश्चन देता हूं, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड ऑफ, फाइंड द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस, फाइंड द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट
27 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस. आर की वैल्यू जो है यूनिवर्सल गैस पॉइंट, आप 25/3 ले सकते हो जूल पर मोल पर केल्विन. सिंपल सा सवाल है, 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस की आरएमएस स्पीड बताएं आप. ये क्वेश्चन करते हैं. अब इसमें क्या है कि थोड़ा ध्यान से देखें आप लोग, फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अंदर हमें जैसे यूनिट्स का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज किस यूनिट में हम लोग लेंगे. तो जैसे अगर हम वी आर एम एस निकालना चाहते हैं तो देखिए इधर आ जाइए, आप सभी का गलत है, √3 RT/m ये है. अब सबकी वैल्यू प्रॉपरली रखी जाए तो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा √3 R कितना होगा 25/3. टेम्परेचर कितना होगा 300 होगा, ठीक है, और मोलर मास कितना होगा 2×10⁻³. जब आप बाकी चीजें एसआई सिस्टम में ले रहे हो तो मास ग्राम में नहीं ले सकते ना, मतलब इस चीज का ध्यान रखना, हर चीज एक ही यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है. मोलर मास 2 ग्राम होता है ना, एक मोल का मास 2 ग्राम होता है, तो किलोग्राम में तो एमकेएस में तो 2×10⁻³ होगा. अब इसको सॉल्व किया जाए तो जैसे 3 से 3 चला जाएगा और ये लगभग 25 जो है ये बाहर आके 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2×10⁵ ना, 10⁻³ ऊपर जाएगा. 10⁵ जो है ये आपका, जब इधर हम 10⁴ को बाहर ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये जाएगा 500√15, ये आएगा मीटर पर सेकंड में. अब आप चाहो तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट इसको कर सकते हो, √16 होता तो कोई टेंशन नहीं था, ये 4 हो जाता तो 2000 आता, तो ये 2000 से थोड़ा कम आएगा. इनफैक्ट इसको सॉल्व करके देखेंगे इट विल बी नियरली इक्वल टू 1930 मीटर्स पर सेकंड, लगभग 1930 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा. ये आपको ध्यान रखना है आगे से, ये सवाल इसीलिए दिया था मैंने कि इस चीज का ध्यान रखें कि भाई हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री में क्या होता है कुछ भी कर देते हैं लोग, आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में ले लेंगे हाँ. ये कौन से सीजीएस है ना, एमकेएस है ना, एफपीएस है, कोई सिस्टम नहीं है ये, लेकिन वो ले लेते हैं और वो उनका आंसर भी आ जाता है. हाँ, शीट में सवाल होते हैं, केमिस्ट्री में एग्जाम में भी सवाल उसी में आते हैं, लीटर पर एटमॉस्फेयर में उसमें, तो वो तो वैसे ही बता रहे हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि वो उसमें अपने यूनिट होते हैं. फिजिक्स में इस बात का ध्यान रखना है, या तो सब सीजीएस में लेके चलो या तो सब एमकेएस में लेके चलो, जो भी है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम फॉलो करेंगे, ठीक है. अगर हम सिस्टम जैसे ये वाला सीजीएस में ले लिया आपने, बाकी एमकेएस में ले लिया तो थोड़ी ना आंसर आएगा. हाँ, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का. क्वेश्चन है, 1 cm³ ऑफ सैंपल ऑफ एयर इज टेकन एट शिमला एंड लखनऊ. शिमला में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और लखनऊ में 20 डिग्री सेल्सियस है और एयर का कंपोजिशन हर जगह हम लोग सेम ही मानेंगे. फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर इन द टू सैंपल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर इन द टू सैंपल्स. दोनों सैंपल्स में जो प्रेशर का रेशियो है वो बताना है आपको. एक सेंटीमीटर क्यूब एयर ली गई है शिमला में जिसका टेम्परेचर 10 है और 1 cm³ जो है लखनऊ में ली गई जहां टेम्परेचर 20 है. तो दोनों सैंपल्स में प्रेशर का रेशियो बताना है. तो देखिए भाई, इसमें दोनों का वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर आपको दिया गया है तो प्रेशर का रेशियो कह रहा है, तो प्रेशर का रेशियो निकालना है. तो मैं तो ऐसा करूंगा ना, PV = nRT को कायदे से लगाऊंगा, PV = nRT को. तो मान लेते हैं कि पहले सैंपल में प्रेशर है P1, वॉल्यूम जो है वो V मान लिया मैंने, नंबर ऑफ मोल N1 मान लिया और गैस कांस्टेंट R है और टेम्परेचर जैसे 10 डिग्री सेल्सियस है ना तो 283 हो जाएगा केल्विन में, 273+10 तो 283 हो जाएगा और ये हो जाएगा P2×V = N2R×. इसका टेम्परेचर 20+273 तो ये 293 हो जाएगा, तो ये 293 हो जाएगा. अभी इसको डिवाइड कर दें तो P1/P2 = हो जाएगा N1×283/N2×293, ये आ जाएगा, ये आ गया. अब इसके बाद क्या किया, मतलब इसके बाद क्या करें, मेरा तो ये आ गया N1 into same होगा. क्यों सेम होगा बेटा,
नहीं, सैंपल एक शिमला का में लिया था और एक जगह लखनऊ में लिया था, तो अलग अलग सैंपल है ना, सेम सैंपल का है, वॉल्यूम सेम है दोनों का, तो नंबर ऑफ मोल क्यों सेम ले लिया आपने? कोई वजह होगी? मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत किया या आपने सही किया, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, आपसे बस कारण जानना चाह रहा हूं कि एन वन इंटू आपने सेम लिया क्यों, मतलब क्या वजह रही उसकी? केमिस्ट्री का वर्ड उस उसमें होता है ना कि सेम वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, ऐसा रटा होगा ना तुमने कि 22.4 लीटर पे एक मोल होता है, ये सब पढ़ लिया होगा आपने, पर कॉमन सेंस भी लगाइए ना, वो सेम वॉल्यूम में मोल सेम होते हैं जबकि बाकी चीजें सेम हो, प्रेशर टेम्परेचर सेम होना चाहिए ना, हाँ एनटीपी की कंडीशन में ऐसा होता है, तो यहाँ तो टेम्परेचर दोनों के अलग अलग है, तो अगर टेम्परेचर दोनों के अलग अलग है तो नंबर ऑफ मोल सेम थोड़ी ना होंगे यार, भाई सेम वॉल्यूम होना मोल सेम होने की गारंटी नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि एन वन और एन टू दोनों अलग अलग यहां पर होंगे और हम इस क्वेश्चन को इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने किया हो तो हमें बताया तरीका, हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इसके बाद ये नहीं हो पाएगा। हाँ कुछ भी करोगे यार, आप नंबर ऑफ मोल जब तो आपको पता नहीं है तो आप प्रेशर का रेशियो नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए, मतलब नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं सेम वॉल्यूम में, लेकिन प्रोवाइडेड कि बाकी कंडीशन प्रेशर टेम्परेचर सेम रहे तब नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मतलब आंख कान खुले रखने हमें अपने, कब किस कंडीशन में क्या कौन सी चीज वैलिड होगी, किस कंडीशन में नहीं वैलिड होगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज वी नॉट इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, इफ टेम्परेचर इज डबल्ड एंड मॉलिक्यूल्स dissociate temperature is doubles and molecule dissociate into atoms find the new RMS speed ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड इन्हें दे दिया वी नॉट है, आप कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें और मॉलिक्यूल एटम के अंदर टूट जाएं, तो उस कंडीशन में आपको नई आरएमएस स्पीड बतानी है। बहुत सिंपल सा सवाल था कि भाई हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया और जो मॉलिक्यूल है वो एटम में टूट गए, तो पहले तो आरएमएस स्पीड वी नॉट थी, ये हो जाएगा √3 RT/m, ये हो जाएगा। अब उसके बाद नई आरएमएस स्पीड मैंने वी मान ली, अब भी मान ली तो टेम्परेचर को डबल कर दिया है तो ये टूटी हो जाएगा, और मोलर मास अगर मॉलिक्यूल एटम में टूट गया, इधर आ जाइए यशराज जी, देखिए अगर मॉलिक्यूल एटम में टूट गया तो जो मोलर मास होगा वो आधा हो जाएगा, जो भी था उसका बाई 2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर 4 होगा, 4 रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये 2V0 के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2V0। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सा सवाल था। चलिए एक और इसके अंदर हम लोग सवाल करेंगे, क्वेश्चन लिखे, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी आर एम एस स्क्वायर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ द गैस इन सेल्सियस। मैं बता दे रहा हूं किसके किसके बीच ग्राफ बनाना है, जैसे ये आप मान लीजिए इधर आपका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में और इधर है वी आरएमएस का स्क्वायर, इधर वी आरएमएस का स्क्वायर है और इधर टेम्परेचर सेल्सियस में है, और आपको वी आरएमएस का स्क्वायर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाना है,
स्क्वायर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ बनाने के लिए मैं वी आर एम एस और टेम्परेचर का रिलेशन तो खैर पता ही है, वी आर एम एस का स्क्वायर जो आएगा ये बराबर हो जाएगा 3R/m × T। लेकिन ध्यान रहे ये टेम्परेचर केल्विन में है, तो अब केल्विन में है लेकिन हमें किसमें चाहिए, सेल्सियस में। तो अब केल्विन का टेम्परेचर जो है उसको अगर हमें सेल्सियस में लिखना है तो अब मैं इसको T+273 लिखूंगा, जहां T सेल्सियस का टेम्परेचर है। केल्विन का जो टेम्परेचर है अगर मैं उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसको मैं सेल्सियस का टेम्परेचर +273 लिखूंगा। तो वी आर एम एस का स्क्वायर जो आएगा ये बराबर जाएगा 3R/m T+273 वेयर T इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो वी आर एम एस का स्क्वायर क्या है, ध्यान से इधर देख लीजिए सभी लोग, वी आर एम एस का स्क्वायर जो है ये वाई एक्सिस पर है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए वाई लिख दूंगा, वाई इज इक्वल हो जाएगा 3R/m × x प्लस 3R/m × 273 ये हो जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ऐसा इस तरह का ग्राफ होगा ये, ठीक है। और t बराबर जीरो पर मतलब इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू ये आएगी 273, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये -273 को करिस्पॉन्ड करेगा डिग्री सेल्सियस में, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा इसका, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं x जीरो कर दें तो ये आ जाएगा 3R/m × 273। जो भी गैस है उसके लिए 3R/m × 273 ये आ जाएगा। इस तरह से वी आर एम एस का स्क्वायर और सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसके बीच का रिलेशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं।